दोस्तों हिंदू धर्म एक बहुत ही विशाल एवं पौराणिक धर्म है जिसमें कई सारे त्यौहार और तरह तरह के रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं। हिंदू धर्म के लोग ईश्वर की आराधना के लिए मंदिर या फिर आश्रमों में जाते हैं, लेकिन इस धर्म का एक वर्ग ऐसा भी है जो न तो कभी मंदिर जाते हैं और न ही आश्रम, यहाँ तक कि वे मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। इतना सब सुनने से आपको लग रहा होगा कि ये नास्तिक होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। ये लोग औरों से बिल्कुल अलग तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं। तो दोस्तों हिंदू धर्म के इस खास वर्ग के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के रामपुर जिले के जगगहन गांव में रहने वाले रामनामी समाज की। यह समाज लगभग 100 सालों से भी अधिक समय से एक अनोखी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इस समाज के लोग पूरे शरीर पे राम का नाम गुदवाते हैं, जो कि इनकी ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था का एक रूप है। राम का नाम गुदवाने की प्रथा के पीछे एक सामाजिक प्रताड़ना की कहानी छिपी है। कहा जाता है कि कई वर्षों पहले यहाँ के ऊंची जाति के लोगों द्वारा इस समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे तंग आकर इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के रूप में ये लोग अपने शरीर पर राम नाम गुदवाना शुरू कर दिए। तब से लेकर अब तक ये प्रथा बिना किसी विरोध के चलती आ रही है। दोस्तों रामनामी समाज के लोग अलग अलग तरीके से अपने शरीर पर राम नाम गुदवाते हैं, जिस कारण वे अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने माथे पर राम का नाम गुदवाता है तो उसे शिरोमणि कहते हैं, और जो पूरे माथे पर राम नाम गुदवाता है उसे सर्वांग रामनामी कहते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के किसी एक भाग पर राम नाम गुदवाता है तो उसे रामनामी कहते हैं, तथा अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाता है तो उसे नखशिख रामनामी कहते हैं। रामनामी समाज के लोग अपने लिए कुछ खास नियम भी बनाए हैं, जिसके तहत इस समाज में जन्मे हर व्यक्ति को अपने शरीर पर राम नाम गुदवाना जरूरी है। ये लोग खास तौर पर अपने छाती पर राम का नाम गुदवाते हैं। अपने शरीर पर राम का नाम लिखवाने वाले कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ ये लोग आपसी बातचीत में हेलो या नमस्ते की जगह राम राम कहना पसंद करते हैं। दोस्तों रामनामी समाज के लोग अपने माथे पर मोरपंख की टोपी पहनना पसंद करते हैं। इन लोगों के घरों की दीवार पर राम नाम लिखा होता है। यहाँ तक कि ये लोग कपड़े भी राम नाम लिखा हुआ पहनते हैं। भगवान राम के प्रति इनकी आस्था बिल्कुल अद्भुत और असाधारण है। तो दोस्तों रामनामी समाज के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।